स्वदेशी की प्रखर प्रवक्ता एवं भाई राजीव का जन्मदिन एवं पुष्प तिथि पर एक विचार गोष्ठी आर्य समाज भवन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वदेशी की विचारधारा पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाई राजीव दीक्षित एवं महान वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता एवं आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे। 5 जनवरी 2009 में स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़कर भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय महासचिव बनकर स्वदेशी आयुर्वेदिक एवं व्यवस्था परिवर्तन का विकुल पूरे देश भर में भारत स्वाभिमान के अंतर्गत उन्होंने व्याख्यान किया, जिससे प्रभावित होकर लाखों देशवासी भारत स्वाभिमान के सदस्य बने। आज देश में चाइना के साथ लगभग 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश में व्यापार के नाम पर देश का धन लूट रही हैं। हमारा देसी उद्योग, ग्रामीण उद्योग लगभग बंद हो गए हैं। हमें विदेशी वस्तुओं का स्वयं ही बहिष्कार करना होगा एवं देशवासियों को देसी विदेशी वस्तुओं के बारे में जागरूक करना होगा। इस अवसर पर पूनम चौधरी, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, आनंद स्वरूप, भावना त्यागी, सविता चौधरी, विजेंद्र वासले, सुभाष राय आदि लोग उपस्थित रहे। जो बात से बना